क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल हमें बैलेंस शीट से मिलेंगे 4,400, 2003, 2004, 4,400। क्रेडिट सेल्स हमें इनकम स्टेटमेंट्स में मिलेंगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 365। आंसर बोलो, कस्टमर से कितने दिन में पैसा कलेक्ट हुआ? कस्टमर में से हमने 80.3, तो अप्रोक्सीमेटली 80 डेज के अंदर हमने कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया, 80 दिन में पैसा कलेक्ट किया था। इसी तरीके से 2004 में हमारे रिसीवेबल्स थे 6,740, हमारी सेल्स थी 26,000। तो मैं से किसी ने पूछा नहीं कि मैंने एवरेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आंसर बोलो, मतलब है 95 डेज कर लेते। इसका मतलब है कि कस्टमर हमें पे कर रहा था 2003 में 80 दिन के अंदर, लेकिन अब कस्टमर हमें 95 डेज में के पे कर रहा है। वाई? डिले इन अमाउंट कलेक्टेड। अच्छी बात नहीं है ये, प्रॉब्लम, कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे लिए। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका, व्हाट इज द इशू। सो सवाल के अंदर आपको कितनी रेशियोज कैलकुलेट करनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। इसका जो अगला पार्ट है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन अभी मैं नहीं करवा रहा, अभी जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन। तो दो कैटेगरीज मैंने करवा दी, दो और सवाल की पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर एफ डॉट रेजर फॉर द ईयर एंडेड मे। एक साल की रेशियोज कैलकुलेट करनी है 2005 की, क्योंकि उसने 2004 और 2003 की ऑलरेडी खुद निकाल के दी हुई है, तो हमसे सिर्फ उसने एक साल का डेटा पूछा हुआ। अच्छा, स्टेट द फॉर्मूला क्लियरली। एक रेशियो हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये मैं काट देता हूँ। पांच रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, क्विक रेशियो एंड रिसीवेबल कलेक्शन। ये पांच रेशियोज हमें कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले के साथ, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो सवाल देख लेते हैं, सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में आपको एक अदद इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है एक साल का, और दो बैलेंस शीट दी हुई है आपको 2005 की। सिर्फ एक बैलेंस शीट है 2005 की, 2004 का डेटा हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, जो पिछला डेटा आपको दिया हुआ है 2004 का, 3 का, उसको एक नजर देखें। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, 2003 में कितना था इस कंपनी का? 16.2। 2004 में कितना हुआ? 14.7, गिर रहा है। पांच में देखते हैं क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 30.4 थी, 34 हो गई, बढ़ गई। नेट प्रॉफिट परसेंटेज 19 थी, 17 हो गई, गिर गई। क्विक रेशो 1.5 था, 1.1, गिर गया। कलेक्शन पीरियड 32 डेज था, 44 पे चला गया। ओवरऑल देखा जाए तो 2003 में, 2004 के मुकाबले में 2003 में देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, नेट प्रॉफिट गिरा, क्विक रेशो कम हुई,
और कलेक्शन पीरियड भी बढ़ गया, यानी कि प्रॉब्लम शो कर रहा है। 2005 में देखते हैं, पहली रेशो कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका मैंने बताया था, टोटल एसेट्स ले लो और उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, वन ऑफ द मेथड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्या हमें सवाल में पीबीआईटी दिया हुआ है, पीबीआईटी दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 25 मिलियन, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो पीबीआईटी है हमारा 25 25, पीबीआईटी हमारा है 25, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें देखना पड़ेगा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स हमारे हैं 225 के, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है हमारी 45 की। चले जी आंसर बताएं, Anyone? थर्टीन पॉइंट एट परसेंट। ये और खराब हो गया, पहले 16.2 था, फिर 14.7 हुआ और अब 13.8 हो गया, और खराब हो गया। चलें जी आगे बढ़े, दूसरा रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ढूंढें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 60 का और सेल्स है 160 की, ग्रॉस प्रॉफिट है 60, सेल्स है 160। आंसर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंटेज। जितनी भी हमने सेल्स की हैं, अगर 1 लाख की सेल्स की हैं तो 1 लाख का 37.5% प्रॉफिट जनरेट हुआ। पहले हमारा प्रॉफिट की क्या था, 30 से 34, अब 37, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट और बढ़ गया हमारा। नेट प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं, नेट प्रॉफिट है 10 का, नेट प्रॉफिट है 10 का, सेल्स है 160। आंसर 6.25 को कंपेयर करते हैं, नेट प्रॉफिट 19.3 था, 17.5 आया। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि डेटा थोड़ा सा ऑकवर्ड है ना, मुझे लग रहा है इन्होंने नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, क्योंकि यह मेंशन नहीं है, तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ 20 से, क्योंकि मैंने बताया दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, ज्यादातर आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स को भी चेक कर लेते हैं, एमसीक्यूज आएंगे ना तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि विदाउट टैक्स लेना है या आफ्टर टैक्स लेना है, ये बात ध्यान में रखें, टेंशन वाली बात नहीं है। इससे निकालें जरा आंसर,
इसको कहते हैं प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन। इसका आंसर क्या आएगा? 12.5% तो अगर हम देखें तो गिर ही रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन और गिर रहा है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये ढूंढते हैं करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स आपके पास रखे हुए हैं 75 के, इन्वेंट्री है 45, 75 इन्वेंट्री है 45। करंट लाइबिलिटीज कितनी रखी हुई है? करंट लाइबिलिटीज भी 45 है। चले जी बताएं जी कितने टाइम्स आ रहा है। जीरो पॉइंट सिक्स सेवन और खराब हो गया, 0.67 पहले था 1.5 फिर 1.1 हुआ अब आया 0.7। इसका मतलब होता है कैश फ्लो प्रॉब्लम, लिक्विडिटी लायबिलिटी ज्यादा है, मोर लायबिलिटी लेस क्विक एसेट्स। अगर इन्वेंट्री नहीं बिकी टाइम पर तो कंपनी फंसेगी बहुत बुरी। वैसे इसका करंट रेशियो अगर निकाला जाए, ऐसी सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज ऊपर दिए मैं, 75 डिवाइडेड बाय 45 ये निकालो, 1.67। ये तो अच्छा शो कर रहा है 1.67, यानी कि एक लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा एसेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आइडियल रेशियो से कम है, आइडियल 2 होता है, 2:1। अच्छा ये आइडियल बेकार होता है, वैसे कोई खास काम का नहीं आइडियल, बस एक आइडियल के तौर पर हम लेते हैं कि यार कम से कम 2 होना चाहिए, करंट रेशो 2:1 होना चाहिए और क्विक रेशो 1:1 होना चाहिए, वैसे इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगली रेशो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, डेज में निकलेगा क्योंकि पीरियड लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी डेज, 365। सो रिसीवेबल बैलेंस शीट से उठाए मैंने 25 और सेल्स 160, 25 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 365। फिफ्टी सेवन डेज हम अपने कस्टमर से कितने दिन में कैश कलेक्ट करते हैं? 57 डेज, अच्छा या बुरा है? तो 2003 में हम 32 दिन में कलेक्ट कर रहे थे, 2004 में 44 दिन पे आए और 2005 में 57 पे आ गए। और इंडस्ट्री का एवरेज यानी कि इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज काम कर रही हैं वो ऑन एवरेज 35 दिन में कलेक्ट करती हैं। कंपनीज 35 दिन में कलेक्ट करती हैं, हम कितने दिन में कलेक्ट कर रहे हैं? 57 डेज में। पुअर कलेक्शन डिपार्टमेंट, पुअर कलेक्शन डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस, कलेक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पुअर है। कस्टमर टाइम पे नहीं कर रहे ना, हम ले पा रहे हैं, कस्टमर स्मार्ट है, हमारी कंपनी ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रही,
कैश फ्लो प्रॉब्लम, फ्यूचर में हमारे लिए कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है। डन, सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रेशियोज हमें कैलकुलेट करनी थी वो हमारी यहां पर हो गई कंप्लीट। अब इस पॉइंट पे किसी को कोई सवाल है तो बोले। ये देखे जी, ये एक टिपिकल एमसीक्यू है। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग करंट लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज एट 31st October 2008। करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री है, हमारे पास रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है, और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास पेबल पड़ा हुआ है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? When measured against accepted norms, the company can be said to have accepted norms. क्या है? Ideal. तो current ratio का ideal क्या है? 2:1. Quick ratio का ideal क्या है? 1:1. वो कह रहा है क्या हमने norms को violate किया? क्या हम norms से आगे हैं या हम norms से पीछे हैं? तो हमें दोनों रेशियोस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले हम करंट रेशियो निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कितना है करंट एसेट्स बताएं जी? करंट रेशियो आंसर इसका भी कैलकुलेट कर लो। 1390 माइनस 970 डिवाइडेड बाय 420। दोनों के आंसर बता दो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। वन। कौन सा रेशियो आइडियल है, कौन सा बढ़ा हुआ है? अ हाई करंट रेशियो एंड एन आइडियल एसेट टेस्ट रेशियो। एन आइडियल करंट रेशियो एंड अ लो एसेट टेस्ट रेशियो। अ हाई करंट रेशियो एंड लो एसेट टेस्ट रेशियो। आइडियल करंट एंड क्विक रेशियो। कौन सा आइडियल है? सो ये हमारा आइडियल आ रहा है, आइडियल वन होता है ना, और ये हमारा बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। एन एंटरप्राइज हैज द फॉलोइंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मे 2008। सेल्स दी हुई हैं 45,000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। यह आ गई आपकी COGS, यह आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेट निकालना है, डेज नहीं निकालना, रेट निकालना है। फॉर्मूला एवरेज निकल सकता है तो एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज कितना होगा? एवरेज स्टॉक होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 4000, क्लोजिंग स्टॉक है 6000। 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 2, 5000 का एवरेज स्टॉक है इस साल। सो एवरेज स्टॉक रखा हमने 5000 का, और COGS है हमारे पास 24,500। रेट बताएं जी क्या होगा? क्या बनता है रेट? 24,500 डिवाइडेड बाय 5,000, 4.9 टाइम्स। देखो कितने मजे से, अगर फॉर्मूले पता हो तो आपका आंसर कितने मजे से
आ जाता है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन के सवाल, एक कैटेगरी मैंने आपको बता दी कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी, जिससे हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसके रिटर्न के बारे में असिस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न कैटेगरी। दूसरी हमने कवर की लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। इसके अंदर एक फॉर्मूला भी हमारा बाकी है, इसके अंदर एक फॉर्मूला भी हमारा बाकी है। और तीसरी कैटेगरी बनती है हमारी सॉल्वेंसी या गेयरिंग रेशो। तो वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी के अंदर हमारा एक फॉर्मूला बाकी है, जो कि बाज दफा प्रॉफिटेबिलिटी में भी आता है, बाज दफा लिक्विडिटी में भी आता है। तो मैं जर्नल करवा लेता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एसेट टर्नओवर। ये एक रेशियो है, एसेट टर्नओवर, या बाज दफा इसको कहा जाता है नेट एसेट टर्नओवर, इसके कई नाम है, अभी हम एसेट टर्नओवर डिस्कस कर रहे हैं। या बाज दफा फिक्स एसेट टर्नओवर भी निकाला जाता है। बहुत डिफरेंट तरीकों से ये रेशो कैलकुलेट की जाती है। तो अभी मैं टिपिकली क्या बता रहा हूं आपको, एसेट टर्नओवर बता रहा हूं। एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर आपको ये बताता है कि आपने अपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं या जो टोटल एसेट्स हैं उसको कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। एसेट यूटिलाइजेशन रेशो, व्हाट इज मीनिंग of this, what do you mean? Asset कैसे इस्तेमाल किया, asset कैसे utilize किया? तो हमारे पास जितने भी assets होते हैं, खास तौर पर हम बात करते हैं किसकी, fixed asset की, non-current assets की, जैसे machine, सही है? अगर कोई transportation company है तो car business में buses वगैरह, train, जहाज वाली company है, aircraft, क्या आप अपने assets को utilize कैसे कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। क्योंकि एसेट्स को जितना अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाएगा उतनी हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी, इन्वेंट्री प्रोड्यूस होगी, जितनी हमारी इन्वेंट्री टाइमली प्रोड्यूस होगी उतनी हमारी सेल्स बढ़ेंगी, जितनी हमारी सेल्स बढ़ेंगी उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एसेट जो होते हैं बाज दफा आइडल कैपेसिटी में होते हैं, चल ही नहीं रहे, मशीन है 24/7 नहीं चला पा रहे आप, सही है? तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगी हुई है लेकिन आप उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, उसके अंदर मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, फॉल्टी प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है एसेट्स। तो ये रेशियो हमें एसेट्स के यूटिलाइजेशन के बारे में बताती है। इसका एक फॉर्मूला जो है ना, आउट ऑफ मेनी एसेट टर्नओवर का वन ऑफ द फॉर्मूला जो एसेट टर्नओवर में इस्तेमाल होता है वो होता है सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, टाइम्स के अंदर आंसर आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड की वही डेफिनेशन है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया नॉन करंट एसेट्स के अंदर और उसके ऊपर आपने इतनी सेल्स जनरेट की। हाउ मच सेल्स इज जनरेटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स और थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जितनी ज्यादा सेल्स जनरेट करेंगे उतना टर्नओवर अच्छा आएगा, जितना टर्नओवर अच्छा होगा उतना अल्टीमेटली आपका बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा या बिजनेस आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि आगे जाकर ये एसेट टर्नओवर कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ। अगर एक कंपनी का एसेट टर्नओवर अच्छा हो
तो वो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करेगी, और अगर उसका इन्वेंट्री टर्नओवर भी अच्छा हो तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री बिकेगी, और अगर उसका कलेक्शन पीरियड भी अच्छा हो तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको अल्टीमेटली कैश फ्लो भी अच्छा आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब ये बाकी मैं इंटरप्रिटेशन में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि ये जो रेशियोज आगे पीछे हो रही है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। अच्छा सर एक चीज बता दीजिए जाते जाते, कि एसेट टर्नओवर होता है, तो एसेट टर्नओवर मुराद है कि हमारी इन्वेस्टमेंट वापसी आना, मतलब कितनी टाइम में आ जाएगी, एज इन बोल सकते हैं, कह सकते हैं ये इसका मतलब होता है कि दरख्त लगाया तो फल कब आएगा। हाँ सही है, दरख्त लगाया तो फल का इंतजार करेंगे, दरख्त फल नहीं देगा तो क्या करेंगे। ये भी सही है, सही है सर। और बताएं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। और सर कैश फ्लो उसके लिए तो उसे, उसके लिए मुझे मैसेज कर देना। जी मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।